और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं कॉर्न मार्केट। वेलकम टू वियतनाम ब्रो। हाउ मच? 10,000। भारी है रे, 30 रुपया मेरे बस घालून बस। गोल्ड प्लेट स्पून ये सब है यहाँ के मार्केट में, देख सकते हो। ये कंट्री फेमस है यहाँ के फ्लावर्स के लिए और यहाँ के ब्रिजेस के लिए। यहाँ पे बीच बाजू में है पर बीच के ऊपर कोई जा नहीं रहा है, तो यहाँ के सब ना ब्रिजेस के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ के जो ब्रिज है ना बहुत अलग अलग यूनिक बने और बहुत भारी बने। देखे रहेंगे वीडियो में क्या क्या ब्रिजेस है। अभी हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज का एक शॉप देखने के लिए जो कॉर्न मार्केट है। कॉर्न मार्केट के जस्ट बाहर आने के बाद है ना आपको सामने ना ये एग्री बैंक दिखेगा। एग्री बैंक के सामने आपको ना एक शॉप है। यहाँ का जो रेट है ना वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिला हमें ना। हमने ऑनलाइन सर्च किया, $100 का इंडियन रुपीस के हिसाब से 8,300 रुपया हो रहा था और यहाँ का अगर हमने कन्वर्ट किया ना तो हमें कुछ 24,60,000 ये हमें यहाँ का रेट मिला है जो की होता है 8,400 इंडियन रुपीज। तो हमें यहाँ पे ना 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने ज्यादा कन्वर्ट किया होता तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता, तो ये यहाँ का एक बेसिक रूल है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू मिशन राइड। आज का दिन देखिए क्लाउडी और क्या अच्छा सीन हुआ है, क्योंकि बारिश गिरी थी और अभी बारिश का में धूप भी नहीं है तो मस्त माहौल है, कभी भी बारिश आ सकती है, ये प्लेस ही वैसा है। तो अभी ना यहाँ से ना हम प्लान करने वाले कि कोई तो ना मतलब यहाँ का मार्केट है वो मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और करेंसी एक्सचेंज कहाँ पर होता है वो आपको जब बताएंगे। तो अगर आप दानांग आओगे तो आपको क्या क्या करना है, कहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, कहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है, कितने रेट में मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए और ये एंजॉय कीजिए इस सीनरी को। तो गाइस अभी हम शुरू कर रहे हैं ये लोकल रोड को। ये जो ब्रिज है ये ड्रैगन ब्रिज के सामने वाला ब्रिज है। अभी हम ना एक मार्केट एरिया के यहाँ पे आ चुके हैं। अपना पार्किंग है और ये पार्किंग यहाँ की प्राइसिंग है 4,000 डॉन्ग, मतलब हुए इंडिया के कुछ 12 रुपये। तो 12 रुपये की पार्किंग देखिए, मस्त से सेफ पार्किंग है, पूरा छाव के अंदर है, बारिश भी गिर रही है कभी कभी, अच्छा है यहाँ का पार्किंग का सिस्टम। और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं कॉर्न मार्केट। वेलकम टू वियतनाम ब्रो। तो ये यहाँ का लोकल मार्केट है, देख सकते हो। कल हमने जो एक्सप्लोर किया था वो अलग मार्केट था, वो ड्रैगन ब्रिज के यहाँ का मार्केट था और ये यहाँ का लोकल मार्केट है। कुछ ये इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए कॉइन भी यहाँ पे, सोने के सिक्के भी है, सोने के सिक्के भी सेल करने के लिए रखे। कितना यहाँ पे मतलब सोचे कितना मतलब सोना है। शॉर्ट से देखिए वाव। तो हमने कल ये लिया था 15,000 का और यहाँ पे भी सेम 15,000 का ही है प्राइस, वहाँ की और यहाँ की सेम है देखिए। यहाँ की चप्पल है सेम नटराज मार्केट। हाँ नटराज मार्केट, फिर हो गया आप मुंबई का जो मनीष मार्केट के बाहर भी आपको कुछ ऐसे ही देखने मिलेगा। गोल्ड प्लेट स्पून ये देखिए, ये क्या है, फिश है। ओके ओके, फिश आइटम है। हाउ मच? 10,000। भारी है रे, 30 रुपये मेरे बस घालून बस। अच्छी डील मिली है ये देखिए, अभी मैंने भी पहना इसको, अच्छा लग रहा है ये। सो गाइस ये भी हमने सॉक्स लिया यहाँ से जो कि यहाँ पे सेम प्राइस में 10,000 डॉन्ग। तो ये देखिए ये जो है पूरा आपको सोमवार मार्केट का ही कॉपी मिलेगा। और ये है यहाँ का चिकन मार्केट जो कि वहाँ पर क्या क्या है यहाँ पे अंदर। फिश मार्केट भी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सब फिश है लाइन से, तो बड़ी बड़ी फिश है यहाँ पे देख सकते हो। देखिए फिश, फिश के बाद ये सूखी फिश भी है
मैरिनेट की हुई फिश भी यहाँ पे, और देखिए ये मुर्गी देखिए, ये सब है यहाँ के मार्केट में देख सकते हो। जस्ट हमने ना फिश प्लस चिकन प्लस पोर्क प्लस बीफ ये वहाँ पे सेल होता है, और यहाँ पे अभी फिश का सूखा मार्केट है जहाँ पे आपको ना सूखी फिश मिलेगी देख सकते हो। यहाँ पे एग है, फिर उसके बाद ये तो अपना धनिया भी ना वो सब है मसाले ये सब यहाँ पे, और ये देखिए ये सूखी फिश। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फेस देख के लोगों ने समझा कि हम इंडियन हैं, तो हमको लाइक नमस्ते बोला। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स लैंटन, ये होलसेल मार्केट आई थिंक भगवान का ही। अच्छा मतलब मार्केट ना अगर यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और हम अगर यहाँ पे आके कुछ लेना चाहेंगे तो हमारे लिए एक सस्ता ऑप्शन है। तो ये देखिए, ये देखिए सब पावर सारी, ये कंट्री फेमस है यहाँ के फ्लावर्स के लिए, और यहाँ के मेन तो यहाँ के ब्रिजेस के लिए। यहाँ पे बीच बाजू में है पर बीच के ऊपर कोई जा नहीं रहा है, तो यहाँ के सब ना ब्रिजेस के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ के जो ब्रिज है ना बहुत अलग अलग और यूनिक बने और बहुत भारी बने, मतलब ना आपने देखे रहेंगे वीडियो में क्या क्या ब्रिजेस हैं। और ये देखिए काजू है, काजू। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज का एक शॉप देखने के लिए। तो गाइस ये जो मार्केट है उसके जस्ट बाहर है ना आपको यहाँ पे गोल्ड के शॉप मिलेंगे, तो गोल्ड के शॉप में आप करेंसी एक्सचेंज का पूछ सकते हो। अभी हम पूछने वाले यहाँ पे प्लेस थी क्या होता है। जो फॉर्न मार्केट है, फॉर्न मार्केट के जस्ट बाहर आने के बाद है ना आपको सामने ना ये अग्री बैंक दिखेगा। अग्री बैंक के सामने आपको ना एक शॉप है जो जिसका नाम है की आई यू एन थाओ, ये मार्केट है बाजू में उसके ऊपर है ना आपको किम योंग। और बाकी ये देखिए ये प्लेस ना पूरा ना आपको लाइन से सब शॉप मिलेंगे। यहाँ का जो रेट है ना वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिला हमें ना, हमने ऑनलाइन सर्च किया $100 का इंडियन रुपीस के हिसाब से 8,300 रुपया हो रहा था, और यहाँ का अगर हमने कन्वर्ट किया ना तो हमें कुछ 2460 मतलब 24,60,000 ये हमें यहाँ का रेट मिला है, जो कि होता है 8,400 इंडियन रुपीस। तो हमें यहाँ पे ना 100 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने ज़्यादा कन्वर्ट किया होता तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता, तो ये यहाँ का एक बेसिक रूल है। और हमारा जैसे कि हमने पहले कन्वर्ट किया था उसमें हमें हमारा कुछ 2,000-3,000 का प्रॉफिट हुआ था। लेट्स सी अभी हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो अच्छा मिला। ये दानांग में है, दानांग में कॉर्न मार्केट के यहाँ पे 100 रुपये ज़्यादा मिला है कॉर्न मार्केट के यहाँ पे। और ये देखिए सामने ये सब लाइन से शॉप्स है, इधर भी शॉप है। तो ये देखिए यहाँ पे ना लाइन से ये शॉप है जहाँ पे आपको वॉचेस और ये सब यहाँ पे मिलेंगे। ये लोकल के लिए बेस्ट है, मतलब थोड़ा हाई एंड टेक्नोलॉजी लग रही है यहाँ की। जैकेट देखिए, कोट देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे जैकेट्स तो बहुत अच्छे हैं। ऊपर देखिए, ऊपर भी जैकेट्स हैं, शर्ट्स भी यहाँ के वियतनामी शर्ट्स, ये है 2,80,000। यस 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 2,80,000 राइट। सो गाइस ये हमें बोला गया था कि 2,80,000 का आपको मिलेगा, तो ये हमने यहाँ से लिया है 1,80,000 में। देखिए डायरेक्टली इतना बार्गेनिंग करने के लिए इंडिया से ही लोग आ सकते हैं। सो ये जो रेट है वो काफ़ी अच्छा मिला हमें। और देखिए यहाँ पे लाइन से जैकेट्स है, और ये लाइक ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है, मास्टर कॉपी बोल सकते हैं। ये देखिए सब लेडीज के ड्रेसेस हैं, और ये कॉर्न मार्केट है, कॉर्न मार्केट के अंदर हम घूम रहे हैं। सोमवार मार्केट में आया हूँ अभी मैं, और यहाँ की कैब देखिए ये सब वियतनामीज कैब से देखिए यहाँ पे सब कैप्स देखिए।
यहाँ के कपड़े की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस भी बहुत अच्छा है, और ऊपर से हम उसके ऊपर भाव कर रहे हैं, भाव करके ले रहे हैं, जो कि हमारी आदत है। और जीन्स भी यहाँ पे, जीन्स भी दे सकते हो। अभी हम जहाँ पे आए वो है पूरा शूज चप्पल वाला मार्केट, जिसमें देख सकते हो लाइन से सब चप्पल से चप्पल से, अंधेरी का शू मार्केट है ये। मशरूम, और ये देखिए जैकेट और ये सब देखिए यहाँ पे। वहाँ पर कितनी छोटी छोटी जगह पे रखा है, अगर ये मुंबई में होता तो अभी तक इतना भीड़ रहा पे कच्चे की तरह भीड़ होता था। मतलब सोमवार बाजार भी इससे थोड़ा बड़ा है, मतलब स्पेस में बीच में स्पेसेस है, ये तो बहुत कम स्पेस है। अगर दो तीन लोग लाइन से खड़े हो गए तो फिर पूरा मार्केट में गिर जाएगा अपना। ये व्लॉग में डिस्टर्ब कर रहा है रो रो के। ये देखिए यहाँ पे भी जैकेट है और शॉर्ट्स पैंट है, यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लेडीज के कुछ टॉप्स टी शर्ट्स, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये कुछ 250,000 डॉन्ग, मतलब हो गया हमारे यहाँ पे कुछ 850। तो गाइस यहाँ के जो गर्म कपड़े वो भी ऑसम है, इसका जो क्वालिटी ना क्या गजब की क्वालिटी है, सब कपड़े की क्वालिटी वैसी है, ऑसम है यार ये प्रोडक्ट यहाँ के। तो ये जो है ये 2 लाख डॉन्ग, जिसका अप्रोक्सीमेट होता है 650 समथिंग होगा, पर क्वालिटी अच्छी है, वर्थ है, और ऊपर से हम इसको और भाव तोल करेंगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा अपने को। तो ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट्स भी है, आप यहाँ से शॉर्ट्स भी देख सकते हो अगर आप यहाँ पे आओ तो। देखिए एक शॉर्ट्स है जो कि अच्छी लग रही है, इसमें कलर्स ऑप्शन भी है। हाउ मच? 200। ओके, ये भी कुछ 650 की, मतलब वर्थ है। सो देखिए गाइस ये पूरा अभी कैप सेक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लाइन से सब देखिए कैप, देखिए ये भी फेमस कैप है और ये नॉर्मल कैप से। अभी यहाँ पे बेल्ट सेक्शन है, बाप रे बेल्ट का मार्केट देखिए, लाइन से पूरे बेल्ट ही बेल्ट है यहाँ पे। और ये ट्रैवल सेक्शन ये आ गया, और आगे आते आते हम यहाँ पे पहुँच चुके जहाँ पे ना पूरे लाइन से आपको ये कुछ ये चीज़ें मिलेंगी जो आप यहाँ का ट्रेडिशनल देख सकते हो। देखिए बाप रे क्या ही दिख रहा है ये, अभी तो देख सकते हो पूरा ये सेक्शन अभी। ये देखिए यहाँ पे पूरे लाइन से शूज चप्पल इसके शॉप्स है, फिर ये बेडशीट सेक्शन है, और ये है कवर से रेन टॉप भी है यहाँ पे। सो गाइस हम ना यहाँ पे कॉर्न मार्केट के बाहर ही ना हम घूम रहे थे, तो सामने देखिए वहाँ पे गो मॉल है, और इसके सामने और एक कोई तो एक शॉप है पिंक कलर का, उसके जस्ट बीच में हम ना यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप पे रुके, जहाँ पे ना हमने ये मिल्क कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी मिल्क कोल्ड कॉफ़ी विद शुगर लिया था, जिसमें अगर शुगर कम है तो उन्होंने शुगर भी दिया हमें, और अभी कॉम्प्लीमेंट्री में उन्होंने यहाँ का ये टी दिया है। कॉफ़ी तो अच्छी लगी, अभी ये टी पी के दिखते, टी पियेंगे पूरा टाइम लगेगा। कैसी है टेस्ट बताना, आइस टी प्लेन है, नॉर्मल है, पानी की जगह लग रहा है। एक बार आप भी यहाँ पे आके ये मतलब कॉफ़ी तो ट्राई कर सकते हो, और ये तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, हम ट्राई कर रहे हैं अभी, बट ठीक है ये भी अच्छा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई अलग है कड़वा पाने कुछ नहीं, नॉर्मल कॉफ़ी है, नॉर्मल टी भी है, तो यहाँ पे ज़रूर आना। सो यहाँ पे हमने वो कॉफ़ी पी थी शोरूम कॉफ़ी, यहाँ पे आप ज़रूर आना।
सो गाइस फाइनली अभी ना यहाँ से हम निकल रहे हैं और ये जो मार्केट है ये हमने ना ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लिया है और आपको भी पता चला होगा कि यहाँ पे कैसे और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर आओगे तो प्लान करना यहाँ पे घूमने का, आपका टाइम पास भी अच्छा होगा और आपको कुछ देखने मिलेगा, कुछ लेने मिलेगा, तो आप ज़रूर लेना। और यहाँ का ये फनस देखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो यही तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।